नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्रॉसरी कहाँ से खरीदें। आप एक स्टोर चला रहे हैं, आप एक स्टोर रन करना चाहते हैं, अब आप कन्फ्यूजन में हैं कि भाई हम जो है ग्रॉसरी कहाँ से खरीदें जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा मार्जिन हो। ठीक है, अब आप इस पे कन्फ्यूज हैं, आपको लगता है यार मैं ग्रॉसरी कहाँ से खरीदूँ। देखो, आपने कई जगह सुना होगा कि भाई अपने आसपास देखो, है ना, या आपने सुना होगा ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, है ना, या सोच रहे हो कि भाई हम दिल्ली से मंगा लें, है ना, उतनी दूर से मंगा लें, वहाँ से हमें जो है कम रेट में जो ग्रॉसरी है वो मिल जाएगी और उसको हम बेच के ज़्यादा मार्जिन कमा पाएंगे। तो आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं आपको सभी चीज़ों के बारे में। तो यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, लगभग 5 साल हो गए हैं मेरे को इस चैनल को चलाते हैं और आप लोग ना बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते ना लाइक करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए बहुत और अच्छी जानकारी लेके आएँ। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक बार एक रिक्वेस्ट है, इतना कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ग्रॉसरी खरीदने के लिए आपको सिंपली क्या करना है। पहली बात तो हमें अगर एक स्टोर रन कर रहे हैं, स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, या फिर हम चलाना चाहते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो है बाहर से ग्रॉसरी मंगा लें। अब आप रह रहे हो कहीं दिल्ली से कम 1000 किलोमीटर दूर, ठीक है, और आप सोचते हो कि मैं दिल्ली से डायरेक्ट कॉल करके, बात करके, इंडिया मार्ट में देख के, डीलर को देख के उनसे ग्रॉसरी मंगा लूँ जिससे मुझे ज़्यादा मार्जिन प्रॉफिट मिलेगा। मैं मानता हूं कि आपको कुछ मार्जिन वहां पे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के कारण आपका वो जो है उसी प्राइस पे लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको मैं 3-4 ऑप्शन ऐसे बताऊंगा जहां से आप ग्रॉसरी खरीद सकते हैं और उनको रीज़न भी बताऊंगा। पहले रीज़न पे आते हैं, पहला जो ग्रॉसरी ख़रीदने का सेक्शन है वो है आप होलसेलर को पकड़ें। आप एक अगर किसी सिटी में हैं तो अपने आसपास के एरिया में जाएँ, क्योंकि वहाँ पे होलसेलर जो है बैठे होते हैं, जो पहले से ही माल मंगा के रखते हैं, अपने पास सामान मंगा के रखते हैं, वो भी अच्छा मार्जिन आपको देते हैं। ठीक है, आपको 10-15% आराम से वो देंगे अगर स्टोर में है तो। पहला है होलसेलर, होलसेलर को पकड़ें अपने आसपास, वहाँ से जो है अपनी पूरी ग्रॉसरी बाय करें। बड़ा होलसेलर पकड़ें, छोटा मोटा होलसेलर नहीं, कोई बड़ा होलसेलर पकड़ लें, उनसे बात करें और अगर पसंद नहीं आ रहा तो फिर उसको बदल दें। तो होलसेलर सबसे बेस्ट है आपके आसपास में, क्योंकि आपको जो है वो रीज़न भी मैं बताऊँगा क्यों, है ना, भले आपको 1-2% कम वहाँ पे मिले मार्जिन, ज़्यादा ना बचे, वो भी मैं बताऊँगा आगे। तो होलसेलर को अगर आपने पकड़ लिया, आप वहाँ से सामान खरीद रहे हैं, तो आपको जो है सामान कभी घटेगा नहीं, आसानी नहीं होगी, फ़ोन नहीं करना पड़ेगा बार बार आपको दिल्ली में कि भाई ये सामान घट गया भिजवाओ। दिल्ली में बात करोगे तो ना आपको कम से कम 2-4 लाख का माल जब ऑर्डर करेंगे तब आएगा वो, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप होलसेलर को अगर पकड़ के रखेंगे, आपको अगर 20,000 रुपये का सामान भी घट गया तो वो उसको बोल देंगे तो वो खुद पहुंचवा देगा, या आप खुद जाके ला सकते हैं, पास में ही है। तो होलसेलर सबसे बेस्ट ऑप्शन कहलाता है मेरे ख्याल से, तो है ना। अब देखो आगे मैं अभी बताऊँगा क्यों होलसेलर बेस्ट है, क्यों दिल्ली वाला सही नहीं है, है ना। अब सुनो आगे, पहला तो होलसेलर, दूसरा है आपके आसपास आपके सिटी में ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 प्रोडक्ट के मालिक होते हैं, यानी कि अगर कहना चाहिए कि साबुन के वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लक्स साबुन का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो लक्स का भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो लाइफ बॉय भी करेगा और अदर प्रोडक्ट भी। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ लें, उसको बताएं कि भाई हम जो है हमारा स्टोर है, हमको प्रोडक्ट चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका नंबर ले लेगा, आपसे बात करेगा, सारे प्रोडक्ट आपके घर तक पहुँचाने आएगा, पहुँचा के देगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर ले लें कुछ प्रोडक्ट के लिए, तो अलग अलग ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट बना लें कि मसालों के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटर है, है ना, साबुन वगैरह के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटर है, निरमा वगैरह के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटर है, चाय पत्ती वगैरह लेना है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर ले लें, उनको कॉन्टैक्ट में ले लें, वो आपको प्रोडक्ट जो है पहुँचा के देंगे। तो दूसरा ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन मंगाना। कई लोग कहते हैं हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, जैसे उड़ान ऐप हो गया, है ना, और उसके साथ साथ फ्लिपकार्ट होलसेल हो गया, तो वो भी सोचते हैं कि भाई हम वहाँ से मंगा लें उड़ान ऐप वगैरह से। देखिए भाई, उड़ान ऐप जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पता नहीं वो कहाँ से प्रोडक्ट आते हैं, आप एक बार ऑर्डर कर लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि उसमें कितना मार्जिन हो रहा है, कितना पैसा बच रहा है, माल जो आ रहा है वहाँ से कैसा माल आ रहा है। ख़राब माल आ गया तो आप उसमें परेशान हो जाएंगे कि अब इसको मैं वापस कैसे करूँ। ठीक है, तो ये पहली दिक्कत ऑनलाइन ख़रीदने के लिए, खरीद तो सकते हैं उड़ान ऐप वगैरह से, लेकिन दिक्कतें मैं बता रहा हूँ। तो पहली चीज़, वहाँ से माल आया ख़राब निकल गया, अब आप उसे भिजवा नहीं सकते, भिजवाएंगे 10 प्रॉब्लम हो गया, आप यही सोचेंगे हटाओ यार रख लो यहीं, ये हो गया। फिर इसके बाद उड़ान ऐप के बाद क्या होता है, उड़ान ऐप तो आपने डाउनलोड कर लिया, मैं बता रहा हूँ कि आप उड़ान ऐप में
अगर आपको 25,000 30,000 40,000 रुपए की ज़रूरत पड़ गई, सामान उधार लेना है, आपको उड़ान ऐप नहीं देगा। लेकिन यहीं पे हम बात करें किसी होलसेलर की, आप अगर होलसेलर से जुड़ गए हैं काफ़ी दिन से, उससे कहेंगे तो वो आपको लाख रुपए का माल दे देगा, उधार दे देगा, ले जाओ बेच के फिर पैसे देना। उड़ान ऐप में ऐसा नहीं होगा, आपको कैश देना पड़ेगा तुरंत, ठीक है। ये एक समस्या है। तो मैं कहता हूँ यार, आप जब भी एक ग्रॉसरी स्टोर खोलें, जब भी आप स्टोर ओपन करने के लिए सोचें, तो आप होलसेलर को पकड़े ना अपने ही सिटी में, क्योंकि भाई देखो वो भी थोड़ा बहुत मार्जिन कमाना चाहते हैं, और आप जो है बेचेंगे तो आपको भी अच्छा मार्जिन मिलेगा, है ना। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको होलसेलर को तो पकड़ के रखना है, अच्छी बात है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत लो मार्जिन, बहुत सस्ते मिलते हैं दिल्ली वगैरह से, कुछ प्रोडक्ट आप, और जो ख़राब ना हो आते समय, अगर टूटे टाटे ना, ऐसे प्रोडक्ट आप दिल्ली वगैरह से मंगा लें, है ना। आप खुद जाएं दिल्ली, एक आध घूमने वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ से बुक कर दे, ट्रेन में सब आ जाएगा, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट तो ऐसी चीज़ों को भी करते रहें, मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ दें, आपको जो होलसेलर को भी पकड़ के रखना है, ऑनलाइन भी पकड़ के रखना है, और डिस्ट्रीब्यूटर भी पकड़ के रखना है। तो चीज़ों को मैनेज करते आना चाहिए आपको कि हम कहाँ से प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, है ना, उसके साथ साथ हमें कितना मार्जिन मिल रहा है। होलसेलर को अपने अंडर में रखें कि भाई आप अगर हमें ख़राब चीज़ें देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, ऐसा उनको बना के रखें, ऐसी चीज़ें उनको बता के रखें, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं कि यार अपने दिल्ली वगैरह से सामान लाओ, वहाँ से माल लेके आ जाओ, सस्ता मिलता है, ये होता है, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, स्टोर चलाते समय देखनी पड़ेंगी कि प्रोडक्ट जो है ख़राब तो नहीं हो रहा है, स्टोर में हमारा कितनी चीज़ें रखी हैं, कौन सी चीज़ों की कमी हो रही है। स्टोर चलाने के लिए ना दिमाग चाहिए, आप अगर उसमें फुल ध्यान लगा के, पूरा ध्यान लगा के स्टोर को रन करेंगे तो आप ज़रूर उसमें प्रॉफिट कमाते जाएंगे। अब कहते हैं कई लोग कि भाई स्टोर तो हमने खोल लिया, अब बड़े बड़े स्टोर जो हैं वो कैसे इतना डिस्काउंट देते हैं। अब बिग बाज़ार वगैरह में चले जाओ तो कैसे डिस्काउंट देते हैं, हालांकि बिग बाज़ार बंद हो गया है, कैसे डिस्काउंट देते थे, डिस्काउंट देते थे इसलिए तो बंद हो गए। देखिए, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं, क्योंकि वो बल्क में बहुत सारा सामान खरीदते हैं, एक स्टोर के नहीं, हज़ार हज़ार स्टोर के लिए इकट्ठा सामान खरीदते हैं बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में, तो उनको ना बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है, है ना। अब डी मार्ट की बात करें, डी मार्ट कैसे इतना डिस्काउंट देता है, तो हमने बताया था कि डी मार्ट डिस्काउंट देने का एक रीज़न है। डी मार्ट डिस्काउंट इसलिए देता है क्योंकि भाई डी मार्ट को जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद पैसे देते हैं कि भाई ये लो 10 लाख रुपए, हमारा ये प्रोडक्ट अपने स्टोर में लगाओ, है ना। डी मार्ट को खुद वो पैसे देते हैं, वो मैन्युफैक्चरर, क्योंकि डी मार्ट में जो लोग आते हैं, तो अगर डी मार्ट वहाँ प्रोडक्ट नहीं रखेगा तो भाई उनकी बिक्री कैसे होगी। तो डी मार्ट को खुद वो फीस देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को अपने स्टोर में रखिए, है ना, कुछ चार्ज ऐसे देते हैं। तो यही चीज़ है, मैं कहता हूँ कि वहीं से इन लोग डिस्काउंट देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की कॉपी करना छोड़ दें। कई लोग कहते हैं हमें अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म बनाना है, हमें अमेज़ॉन जैसे अमेज़ॉन से कॉम्पीट करना है, तो मैं कहता हूँ यार अमेज़ॉन से कॉम्पीट नहीं कर सकते हो, एक बहुत बड़ी कंपनी है वो, उससे कॉम्पीट करना आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। वो सबका बाप है ऑनलाइन में, ई कॉमर्स में, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ये सब बाप कहलाते हैं, तो उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। हाँ, उसके विपरीत हम ये कर सकते हैं कि अगर हम अमेज़ॉन वगैरह वेबसाइट हैं जैसे, तो अमेज़ॉन की वेबसाइट में क्या ऐसी कमी है जिसको हम पूरा कर सकते हैं, है ना। अब देखो कि भाई जैसे किड्स के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े, अब आप अमेज़ॉन पे किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे जाएंगे तो आपको सही प्रोडक्ट ढूंढते में समय लगेगा, दिक्कतें आएंगी। आप चाहोगे मैं बच्चों के कपड़े ढूंढ लूँ, वहीं पे आप फर्स्ट क्राई, जो कि बच्चों का एक ब्रांड है, फर्स्ट क्राई में जाएंगे तो आपको हर एक प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप कॉम्पीट ना करके किसी एक कैटेगरी पे ध्यान दें। अमेज़ॉन वगैरह तो हर कैटेगरी पे ध्यान दे रही हैं, आप किसी एक स्पेसिफिकेशन में जाएँ, किसी एक कैटेगरी को सही से बनाएँ, आपको उसमें फ़ायदा होगा, एक कैटेगरी पे काम करें, ये चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार और रिक्वेस्ट है यार, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दिल से बोल रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।